नमस्कार। आज हम प्रेमचंद के फटे जूते पाठ पढ़ेंगे, जिसे लिखा है हरिशंकर जी परसाई ने। इस पाठ में लेखक ने एक ओर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी और दूसरी ओर समाज में फैली दिखावे की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। लेखक ने बताया है कि सिर पर मोटी कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए प्रेमचंद ने अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाई, किंतु पांव में जो बेतरतीबी से बंधे हुए जूते थे, उनमें से एक जूता आगे से फटा हुआ था। फोटोग्राफर ने तो क्लिक करके अपना काम पूरा कर दिया होगा, किंतु प्रेमचंद जी अपने दर्द की गहराई से निकालकर जिस मुस्कान को होंठों तक लाना चाहते थे, वह बीच में ही रह गई होगी, ऐसा लेखक का मानना है। प्रेमचंद के फटे जूते देख करके लेखक चिंता में पड़ गया। यदि फोटो खिंचवाते हुए यह कपड़े पहन रखे हैं तो वास्तविक जीवन में क्या होगा? किंतु फिर ख्याल आया, प्रेमचंद जी बाहर भीतर की पोशाक रखने वाले आदमी नहीं हैं, वो तो धरती के आदमी हैं। और लेखक इस सोच में डूब गया कि प्रेमचंद तो हमारे साहित्यिक पुरखे हैं, फिर भी उन्हें अपने फटे जूतों का जरा भी एहसास नहीं है। फटे हुए जूते पहनकर उनका फोटो खिंचवाना उनके चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और विश्वास है, किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उस समय प्रेमचंद के चेहरे पर व्यंग्य भरी हंसी थी। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद ने फोटो खिंचवाने से मना क्यों नहीं कर दिया, फिर लगा कि पत्नी ने कहा होगा कि फ़ोटो खिंचवा लो। लेखक प्रेमचंद के दुख को देखकर दुखी हुआ, वह रोना चाहता है, किंतु उसे प्रेमचंद की आंखों का दर्द भरा व्यंग्य रोक देता है। और लेखक सोचता है कि लोग तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए कपड़े जूते तो क्या अभी तक मांग लेते हैं, फिर प्रेमचंद ने ऐसा क्यों नहीं किया? आजकल तो लोग इत्र लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं ताकि फ़ोटो में से सुगंध आए। यहाँ पर लेखक व्यंग्य कर रहा है, गंदे व्यक्तियों की फ़ोटो खुशबूदार होती है। लेखक को प्रेमचंद का फटा जूता देख करके बड़ी ग्लानि हो रही होती है। लेखक अपने जूते के विषय में सोचता है कि उसका जूता भी कोई अच्छी दिशा में नहीं था, यानी कि उस समय के लेखकों की यह दशा होती थी कि अधिकांशतः जो लेखक थे उनके जूते काफ़ी अच्छे नहीं होते थे। लेखक के जूते का तला घिसा हुआ था, वह ऊपरी पर्दे का ध्यान अवश्य रखता है, इसलिए अंगुली बाहर निकलने नहीं देता। वह फटा जूता पहनकर फ़ोटो तो कभी नहीं खिंचवाएगा। लेखक का ध्यान फिर प्रेमचंद की व्यंग्य भरी हंसी की ओर चला जाता है और वह सोचता है कि उनकी इस रहस्यमय हंसी का भला क्या रहस्य हो सकता है? क्या कोई हादसा हो गया या फिर कोई होके मर गया, अथवा हल्कू का खेत नीलगाय चर गई, या फिर घीसू का बेटा माधो अपनी पत्नी का कफन बेचकर शराब पी गया? लेखक को फिर याद आ गया कि कुंभन दास का जूता भी तो फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। लेखक को फिर बोध हुआ कि शायद प्रेमचंद जीवन भर किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे होंगे, वे रास्ते में खड़े टीले से बचने की अपेक्षा उस पर जूते की ठोकर मारते रहे होंगे और वे समझौता नहीं कर सकते थे। उनका उपन्यास है गोदान का होरी नेम धर्म नहीं छोड़ सका, वैसे ही प्रेमचंद भी आजीवन अपना नेम और धर्म नहीं छोड़ सके, यह उनके लिए मुक्ति का साधन था। प्रेमचंद की जूते से बाहर निकली उंगली उसी वस्तु की ओर संकेत कर रही है जिस पर ठोकर मारकर उन्होंने अपने जूते फाड़ लिए थे। वे अब भी उन लोगों पर हंस रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने की चिंता में तलवे घिसाए जा रहे हैं। लेखक ने कम से कम अपना पांव तो बचा लिया, परंतु लोग तो दिखावे के कारण अपने तलवों का नाश कर रहे हैं। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी पहनी हुई है, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं, पाँव में कैनवास के जूते हैं
जिनके बंद बेततीर बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के शिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं पांव के जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। कनपट्टी का मतलब होता है कान के साथ वाला भाग। कैनवेस यहाँ पर मोटा कपड़ा है। बेतरतीब यानी बेढंगे तरीके से पहन रखा है। लापरवाही यानी उपेक्षापूर्ण। परेशानी यानी दुख। लेखक कहता है कि प्रेमचंद का एक चित्र उनके सामने है। उस चित्र में वो अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और सिर पर मोटे कपड़े की एक टोपी उन्होंने पहनी हुई है, कुर्ता धोती पहना हुआ है। कानों के साथ में जो भाग है वो चिपटा हुआ है। उनकी गालों की हड्डियाँ कुछ उभर आई हैं और मूंछ घनी है, जिससे उनका चेहरा जो है भरा भरा दिखाई दे रहा है। प्रेमचंद जी ने पाँव में कैनवास के जूते पहने हैं और उनके फीते भी गलत ढंग से बांधे हुए हैं। लापरवाही के कारण उसकी जो रस्सी होती है डोरी जूते की, उसकी लोहे की पतरी निकल गई है। इस कारण से जूते के सुराख में रस्सी डालने में उन्हें कठिनाई होती है, लेकिन वो जैसे तैसे जूते पहन लेते हैं। उनके दाएं पैर का जूता ठीक है, लेकिन बाएं पांव वाला जूता जो है आगे से फट करके उसमें उनकी उंगली दिखाई दे रही है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचवाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने को जूता भी ना हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रोना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। लेखक ने जब फ़ोटो को ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि उनका जूता फटा हुआ था और उसमें उनकी एक उंगली बाहर दिखाई दे रही थी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। इस पर लेखक को थोड़ा क्रोध आया और उसने कहा कि फ़ोटो खिंचवाना था तो जूते तो ढंग के पहन लेते, और फ़ोटो ना खिंचवाते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। लेखक के कहने का भाव है कि बुरी फ़ोटो खिंचवाने से तो ना खिंचवाना ही अच्छा रहता, किंतु लेखक फिर सोचता है कि शायद उनकी पत्नी ने ऐसा कहा होगा कि चलो फ़ोटो खिंचवाते हैं, और लेखक अपनी पत्नी की बात को टाल नहीं पाए होंगे इसलिए अच्छा भाई कहकर फ़ोटो खिंचवाने बैठ गए होंगे। किंतु यह बहुत ही दुख की बात है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए कोई जूता भी ना हो। शायद प्रेमचंद के पास भी दूसरा जूता ना हो, इसलिए वो फटा हुआ जूता पहनकर फ़ोटो खिंचवाने बैठ गए हों। लेखक प्रेमचंद की विवशता पर विचार व्यक्त करता है कि मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे दुख को अपने में अनुभव करके रो देना चाहता हूँ। अर्थात लेखक को प्रेमचंद का फटा जूता पहनने की मजबूरी के प्रति पूर्ण सहानुभूति है, किंतु प्रेमचंद की आंखों का यह दर्द उसे रोने से रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते? समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो वीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते की मांग नहीं बनती। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। लेखक फ़ोटो में प्रेमचंद के फटे जूते को देखकर कहता है, तुम फोटो के महत्व को नहीं समझते हो, क्योंकि लोग फ़ोटो देखकर ही व्यक्तित्व का आकलन करते हैं। यदि तुम फ़ोटो का महत्व समझते तो इस तरह की फ़ोटो ना खिंचवाते, यानी फटे हुए जूतों में फ़ोटो ना खिंचवाते। इससे अच्छा तो तुम जूते किसी से मांग लेते। वह कहता है कि लोग तो मांग करके कार में बारात निकालते हैं, जिससे लोगों की नज़रों में उनकी शानो शौकत बढ़े, दिखावा बढ़े। यहाँ तक कि लोग तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए दूसरों की बीबी भी मांग लेते हैं, अर्थात दूसरों की बीबी के साथ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। दूसरी ओर तुम हो कि तुमसे जूते भी नहीं मांगे गए। निश्चय ही तुम फोटो के महत्व को नहीं समझते। लोग तो खुशबूदार तेल लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो से भी खुशबू आए।
फोटो से भी खुशबू आए, गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। अर्थात गंदे से गंदा आदमी भी जो है फ़ोटो में इत्र लगा कर के फ़ोटो खिंचवाता है ताकि वह सुंदर दिखाई दे। इस प्रकार से लेखक इन पंक्तियों में व्यंग्य करता है और कहता है कि टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम तो क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, पर जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। वह विडम्बना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ। तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। लेखक ने टोपी व जूते की कीमत को लेकर समाज में उनके प्रति दृष्टिकोण को बताते हुए कहा कि टोपी तो 8 आने की मिल जाती और जूते 5 रुपये से कम क्या मिलते। कहने का मतलब है कि टोपी जूतों से बहुत सस्ती थी, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है और जूते की कीमत अब और बढ़ गई है। जूतों की अपेक्षा टोपी का स्थान अधिक सामान्य है, इसलिए टोपी की कीमत भी अधिक होनी चाहिए। लेकिन लेखक यहाँ कह रहा है कि सम्मान की कीमत कम है बल्कि जूते की कीमत ज़्यादा है। लेखक ने प्रेमचंद को संबोधित करते हुए कहा कि तुम जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य अधिक होने के कारण जूता नहीं खरीद सके और टोपी खरीद ली, जूता फटा हुआ पहन लिया क्योंकि अधिक महंगा था और तुम्हारे पास जूता खरीदने के लिए धन नहीं था। प्रेमचंद का प्रसंग सामने आने से पूर्व लेखक को इस विडम्बना की तीव्रता कभी हुई नहीं थी जितनी उसे आज लग रही थी, वह भी उस समय जब प्रेमचंद का फटा जूता वह देख रहा था। कहने का भाव है कि जो वस्तु अधिक सम्मानजनक है वह सस्ती है और जो वस्तु सम्मानजनक नहीं है वह महंगी है, और यही संसार की विडम्बना है। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे महान कथाकार, उपन्यास सम्राट और युग को बदलने वाले थे और भी ना जाने क्या क्या कहलाते थे, किंतु फोटो में फटा हुआ जूता देखकर अर्थात इतना बड़ा साहित्यकार होने पर भी उनकी आर्थिक दशा इतनी कमज़ोर है कि वो एक जूता भी नहीं खरीद सकते। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, लेखक कहता है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लुहलुहान भी हो जाता है, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लेखक कहता है कि मेरा भी जूता अच्छा नहीं है और वह तले से रगड़ खाता है और इसके कारण मेरे पाँव में खून बहने लग जाता है, ऐसा लग रहा है कि एक दिन पूरा तला गिर जाएगा और पूरा पाँव जख्मी हो जाएगा, किंतु लेखक कहता है कि उसकी उंगली दिखाई नहीं दे रही। कहने का भाव है कि लेखक भी अपनी आर्थिक दुर्दशा को छुपा करके रखना चाहता है, किंतु प्रेमचंद ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो अपनी आर्थिक दशा को छिपाते। उनके फटे जूते में से उनकी उंगली दिख रही थी और इसकी उन्हें कोई चिंता कभी भी नहीं थी, वे फटे जूते को भी बिना किसी झिझक के पहनते रहे, परंतु उनका पांव सुरक्षित रहा। वे फटे हाल में रहकर भी मौज मस्ती और बेपरवाही से जीवित रहे। प्रेमचंद पर्दे के महत्व को नहीं जानते थे जबकि लेखक पर्दे पर जीवन छिड़कते थे, अर्थात दिखावा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। लेखक फिर कहता है कि तुम फटा जूता बड़ी शान और बेपरवाही से पहनते रहे, किंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं फटे जूते में फ़ोटो तो कभी भी नहीं खिंचवाऊँगा, चाहे कोई मेरी जीवनी बिना फ़ोटो के ही क्यों ना छाप दे। लेखक ने अपनी और अपने जैसे दूसरे लेखकों की दिखावे की प्रवृत्ति या आर्थिक दुर्दशा पर पर्दा डालने की प्रवृत्ति का उल्लेख करके इसमें
इन पंक्तियों में व्यंग्य किया है। लेखक का अपना जूता भी अच्छी स्थिति में नहीं था, लेकिन वह ऊपर से अच्छा दिखाई देता था, लेकिन उसका तला जो था वो टूटा हुआ था, जिससे उसका अंगूठा रगड़ खाता था, किंतु अंगुली बाहर दिखाई नहीं देती थी। लेखक ने अपने जैसे उन लोगों पर यहाँ व्यंग्य किया है जिनकी आर्थिक स्थिति वास्तव में अच्छी नहीं होती, किंतु वे उन पर पर्दा डालकर अच्छी आर्थिक स्थिति वाले दिखाई देना चाहते हैं। ऐसे लोग अपनी दयनीय स्थिति को प्रकट नहीं होने देते, किंतु दूसरी ओर प्रेमचंद जैसे लोग भी हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति पर कभी पर्दा नहीं डालते, यानी जैसे वो हैं वैसा ही वो दिखावा करते हैं या उतना ही वो दर्शाते हैं। दिखावा करने वाले लोग कभी भी मौज मस्ती में नहीं जी सकते और उन्हें हमेशा चिंता होती है कि वो दिखावा कैसे करें। लेखक ने खुद के बारे में बताया कि वह पर्दे में विश्वास रखता है, वह फटा जूता नहीं पहन सकता और ऐसी दशा में फ़ोटो तो बिल्कुल भी नहीं खिंचवा सकता। प्रेमचंद के जीवन की दयनीय स्थिति के विषय में बेपरवाही से वह सहमत नहीं है। पर्दे के प्रश्न को लेकर लेखक और प्रेमचंद के विचार दोनों के अलग अलग हैं। लेखक पर्दे को अनिवार्य मानता है, जबकि प्रेमचंद पर्दे के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। उनका जीवन तो खुली पुस्तक की भांति रहा है, जबकि लेखक जीवन की कमियों को छुपाकर जीने में विश्वास रखते हैं। प्रेमचंद अपनी छवि को बनाने के फेर में कभी भी नहीं पड़े। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी, लेखक कहता है, जो होरी को ले डूबी वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत सी लगती है, जिसे तुम क्षणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। लेखक ने बताया कि प्रेमचंद जीवन भर परिस्थितियों से समझौता नहीं कर सके, यह उनके जीवन में बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि समझौता करने वाले लोग सुखी जीवन व्यतीत करते हैं और जो समझौता नहीं कर सकते उन्हें जीवन में कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए लेखक ने समझौता न कर सकने को जीवन की कमजोरी बताया है। यही कमजोरी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास गोदान के नायक होरी की भी रही है। वह समझौता नहीं कर सकता था और नेम धर्म की पालना उसके जीवन की कमजोरी बनी रही। नेम धर्म उसके लिए बहुत बड़ा बंधन सिद्ध हुआ, किंतु फोटो में प्रेमचंद जिस अंदाज से मुस्कुरा रहे थे उससे लगता है कि उनके लिए शायद यह नेम धर्म बंधन नहीं अपितु मुक्ति है। लेखक ने फोटो में उनके फटे जूते से बाहर निकली हुई उंगली को देखकर कहा कि तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती हुई सी लगती है कि जिस वस्तु या विचार से तुम घृणा करते हो उसकी तरफ तुम हाथ से नहीं पांव की उंगली से संकेत करते हो। लेखक ने प्रेमचंद की नैतिकता की ओर संकेत किया है। उन्हें नैतिकता का पालन करने में अपनी विवशता का नहीं अपितु आनंद लगता था, यानी वो खुश होकर अपने धर्म का पालन करते थे। लेखक ने उनके फटे जूते में से दिखाई देने वाली उंगली को लेकर घृणित वस्तु के लिए संकेत करती हुई सी सुंदर कल्पना की है। इस गद्यांश में प्रेमचंद के सादगी युक्त जीवन पर प्रकाश डाला है। प्रेमचंद ने जीवन में गलत बातों के लिए या जीवन में सुख पाने के लिए कभी भी समझौता नहीं किया था। उसके जीवन में यही सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। उनके उपन्यास गोदान के नायक होरी की भी यही बड़ी कमजोरी थी कि वो अपने नेम धर्म को कभी भी छोड़ नहीं सका। वह नैतिकता शायद होरी के लिए बंधन थी, उसे वह मानसिक रूप से चुका चुका था, किंतु प्रेमचंद फोटो में जिस प्रकार मुस्कुरा रहे थे उससे लगता है कि उनके लिए नेम धर्म कोई बंधन नहीं है अपितु मुक्ति का कारण है, क्योंकि वे नेम धर्म का पालन करना अपना कर्तव्य समझते थे।
यह उनकी मजबूरी नहीं थी। उन्होंने इसका पालन करके आनंद का अनुभव किया था, ना कि बोझ या बंधन समझा था। वे नेम धर्म का पालन किसी दबाव में आकर नहीं बल्कि इच्छा से करते थे, आनंद और सुख चैन के लिए करते थे। नेम धर्म या नैतिकता का पालन करने में उन्हें मुक्ति का सुख मिलता था, इसलिए नेम धर्म उनके लिए बंधन नहीं मुक्ति था। जंजीर होने का अभिप्राय है बंधन या बाधा होना। वस्तुतः होरी नेम धर्म का पालन इसलिए करता है ताकि कोई उसको अनैतिक न कहे, इसलिए नेम धर्म उसके लिए जंजीर के समान।